से खींच के निकालना होगा। तीसरा प्रण है कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उससे हमें रूबरू होना होगा। चौथा प्रण है कि भारत की एकता और एकजुटता के प्रति हर भारतीय को तत्पर रूप से प्रयत्नशील होना होगा। और पांचवा प्रण है कि हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का बोध होना होगा और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना जीवन यापन करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंच प्रण है सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जो हम चाहते हैं कि इस पूरे अभियान के दौरान हर भारतीय इनको दोहराए और इनकी एक शपथ ले। नेक्स्ट नेक्स्ट 75 पौधों को का पौधारोपण, वो भी इस कार्यक्रम का एक भाग है। जो स्थानीय वन विभाग हैं उनसे कहा गया है, जो जिला कलेक्टर्स हैं उनसे कहा गया है कि पर्याप्त मात्राओं में जितने भी पौधों की आपूर्ति है वो सुनिश्चित किए जाए, और इनको कहाँ लगाना है, किस प्रकार से देखरेख करनी है, उसके भी जो स्थानीय जलवायु है उसके अनुसार वहाँ पे SOPs बने और सभी के साथ ये साझा हों, जिससे कि अमृत वाटिका केवल लगे ही नहीं परंतु पनपे भी, और आज से 25 वर्ष बाद इनको देखकर लोग बात स्मरण कर सकें जब उस क्षण का जब अमृत काल का आरंभ हुआ। नेक्स्ट, इसी तरह वीरों का वंदन है, इसमें एक कृतज्ञ राष्ट्र अपने वीरों को श्रद्धांजलि देगा, उनको सम्मान करेगा कि उन्होंने देश की एकता और एकजुटता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो इस तरह के लोगों के जो परिवार हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, या ऐसे व्यक्ति जो कि अभी भी जिंदा हैं और जो जिन्होंने पूरा जीवन देश की सुरक्षा और एकता में खपाया है, उनको भी इसमें कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित कैसा करना है, ये हमने राज्य सरकारों पर छोड़ा है, जो स्थानीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप ये सारा सम्मान का कार्यक्रम निष्पादित किया गया। नेक्स्ट, और अंत में राष्ट्रगान होगा और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे प्रमुखता से एक विशेष स्थान पर उसको फहराने का काम भी होना होगा। दूसरा, जैसा मैंने बताया, जो इस कार्यक्रम का भाग है वो अमृत कलश यात्रा है। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव की, हर स्थानीय निकाय की मिट्टी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहां लाई जाए। तो ये यात्राएं गांव से आरंभ होंगी, या उसके बाद ये जो पंचायत के मुख्यालय हैं वहां आएंगी, पंचायत के मुख्यालय पर भी एक बड़े कार्यक्रम होंगे। उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं, देश में लगभग 7,500 ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स पर ये मिट्टी लाई जाएगी और वहां से इस तरह के स्पेशली डिजाइन कलश जो युवा कार्य विभाग के वॉलंटियर्स हैं वो लेके निकलेंगे, जिसमें उस पूरे एरिया की मिट्टी होगी और वो मिट्टी फिर दिल्ली लाई जाएगी। इसी तरह जो बड़े स्थानीय निकाय हैं जैसे म्यूनिसपैलिटीज हो गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, वहाँ से भी मिट्टी की यात्रा निकलेगी दिल्ली की ओर, और सारी ये मिट्टी देश भर की दिल्ली में ये वॉलंटियर्स और अन्य जो व्यक्ति हैं वो लाने का काम करेंगे। नेक्स्ट, इसी तरह जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ से भी यात्रा निकलेंगी, मैंने दोनों एक साथ कवर कर लिया। नेक्स्ट, इसी तरह हमने राज्यों पे छोड़ा है कि कोई राज्य यदि अपने स्टेट हेडक्वार्टर या मुख्यालय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करना चाहता है, जो गाँव में हुए हैं, पंचायतों में हुए हैं, स्थानीय निकायों में हुए हैं, तो राज्य सरकार के मुख्यालयों पर भी भव्य कार्यक्रम